आज हम प्रिपेयर करने जा रहे हैं आलू की कचौड़ी, जो आलू को मिक्स करके बनती है। इसमें जैसे कि ये होगी आलू, धनिया, अजवाइन, अजवाइन में लाल मिर्च, हल्दी और नमक। हमने पहले अजवाइन डाल दिया, उसके बाद क्वांटिटी के हिसाब से धनिया, फिर मिर्च, हल्दी और मिर्च, ये धनिया और अपने अकॉर्डिंग इसमें नमक। ये पूरी बहुत सॉफ्ट होती है और जैसे आप लंच में कहीं ले जा रहे हो तो आप इसको 5-6 घंटे आराम से रख सकते हो, बिना सब्जी के इसे खाया जा सकता है। इसके लिए सब्जी की ज़रूरत भी नहीं होती, हमें सब्जी बनानी भी है, आप इसको बिना सब्जी सेब के साथ भी खा सकते हो। अब इसको हम इस आटे को थोड़ा लगा लेते हैं, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसको। इसको वाटर डाल के थोड़ा इसको हम मिक्स करेंगे। इसमें थोड़ा सा हम ऑयल भी ऐड कर देंगे, रिफाइंड ऑयल। इससे क्या होगा, जो आटा है जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगा, चिपकेगा नहीं जाएगा। मैं इसको गूंथ लेती हूँ, फिर आपको आगे मैं तो बताती हूँ कैसे ये प्रिपेयर करें। ओके, ये हमारा आटा गूंथ गया है, कितना सॉफ्ट है आप देख सकते हो ये। और मैंने ये ऑयल गर्म करने के लिए गैस पे रख दिया है। अब हमने इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना ली है। अब है इसको पूड़ियाँ फ्राई करने जा रही हूँ। हम पूड़ियों को फ्राई करेंगे। अच्छे से फ्राई हो जाए तो उसमें हम ये कचौड़ियाँ डाल देंगे। अच्छे से तेल अगर गर्म है तो भी इसको डालेंगे, कच्चे तेल में हमें नहीं डालना है। पूड़ियाँ रेडी हो गई हैं, आप देख सकते हो कितनी सॉफ्ट और क्रिस्प बनी हुई हैं। सॉरी लाइट ऑन करने में भूल गई थी। ये है सॉफ्ट और देखने में आप कितनी अच्छी लग रही है, आप देख सकते हो। अच्छा लगा हो मेरी रेसिपी तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय।